माननीय सभापति महोदय, लंपी रोग पर सदन में चर्चा में मुझे शामिल होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पहले मैं लंपी चरम रोग से पीड़ित राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों की गायों व मवेशियों में लंपी वायरस संक्रमण फैल चुका है। हम इंसानों में संक्रमण से फैलने वाली कोरोना महामारी भयावित को देख चुके हैं। हम इंसान तो बोलकर अपना दर्द बयां पीड़ित कर सकते थे, लेकिन ये बेजुबान पशु अपना दर्द भी बयां नहीं कर सकते। गौवंश के साथ ही हम इंसानों पर भी कोरोना के बाद पुनः बहुत बड़ी आपदा आई है। मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एवं पशुपालन मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके कुशल प्रबंधन से गौवंश को बचाया जा रहा है। साथ ही गौवंश के उपचार हेतु बजट की कमी न आए, इसके लिए इन्होंने विधायक स्थानीय कोष से राशि स्वीकृत करने की अनुमति दी, इसके लिए मैं सरकार और मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। महोदय, पिछले दो दिन से देखा जा रहा है कि सदन में बैठे विपक्ष के साथियों को गाय की पीड़ा सता रही है, लेकिन गाय के नाम पर वोट लेते हैं और गौ भक्त होने का पूरा प्रचार करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के अपने गौ भक्त प्रधानमंत्री मोदी जी से राजस्थान को क्या दिलाया? राजस्थान की जनता ने 25 सांसद जिताकर भेजे, माननीय सांसदों ने कितना बजट राजस्थान की गौ सेवा के लिए दिया? इससे अच्छा ये होता जनता को गुमराह करने के बजाय कि इन्हीं प्रधानमंत्री जी से कहते कि जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शीतलता दी है, उसी तरह सांसदों को भी शीतलता दी जाए, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी राशि स्वीकृति आदेश जारी करवाते जैसे हमारी सरकार ने किया। लंपी रोग चरम राष्ट्रीय महामारी घोषित करवाते, लेकिन महामारी की गायों के बजाय इनको चिंता करने वाले थोड़ी सी गाय की चिंता करते तो स्थिति आज ये नहीं होती। आप सदन में और राजस्थान में घड़ियाले आंसू बहा रहे हो, देश भर में गौ माताएं काल मौत मर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार चुप है। केंद्र में आपकी सरकार है, ना तो आपका हाईकमान बोल रहा है ना आपके सरकार बोल रही है। अगर लंपी चरम रोग को महामारी घोषित किया जाए तो केंद्र सरकार का क्या हो जाता? परंतु इस मुद्दे पर गाय और गंगा के नाम पर सियासत करने वाले अब एकदम खामोश हैं, इसकी मंशा का इसी से पता चलता है। मैं पूछता हूं केंद्र की भाजपा सरकार से, मेरे विपक्ष के साथियों से कि देश में के कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है और वहां क्या इंतजाम है? राजस्थान में गाय के नाम पर चिल्लाने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान पहला राज्य है जहां पर गायों के लिए 9 माह का अनुदान प्रति पशु 9 माह का अनुदान दिया जाता है। प्रति पशु अनुदान राशि 32 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये की गई है। हमारी सरकार ने पूर्व में भी अनुदान को 3 माह से बढ़ाकर 6 माह किया था और अभी 6 माह से बढ़ाकर 9 माह किया है। इससे 350 करोड़ का अतिरिक्त भार आया सरकार पर, लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि हमारा कर्तव्य और धर्म है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। आज विपक्ष के साथी मुआवजे की मांग कर रहे हैं, हालांकि मैं प्रदेश के पशुपालकों के साथ हूँ, खिलाफ नहीं हूँ। इस दुख की संकट घड़ी में हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है, लेकिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ पर कितना मुआवजा क्या दिया जा रहा है? गुजरात में गायें मर रही हैं, हरियाणा में गायें मर रही हैं, वहाँ कौन जिम्मेदार है? एक मिनट में बात करें। जन्मदिन पर 8 चित्ता लेकर आए जिसमें करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, ठीक है लुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षण करने का प्रयास होगा, लेकिन गाय पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? विदेशी चित्तों के भोजन के लिए अब हिरण पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हमारे बिश्नोई समाज के लोग आहत और आक्रोशित हैं। राजस्थान में बड़े वर्ग की आय पशुपालन पर निर्भर है। सदन की भावनाओं को देखते हुए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि लंपी चरम रोग को महामारी घोषित करें, ताकि बजट को काम में लिया जा सके। और राज्य सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि पशुपालकों को राजस्थान में एक मात्र गाय को दूध बेचकर बहुत सारे किसानों का एक रोजी रोटी का जरिया था, वो खत्म होता जा रहा है। इसलिए जिन किसानों की, जो पशुपालकों की गाय की मृत्यु हुई है, उनको मुआवजा दिया जाए। और जैसे अपने साथियों ने कहा कि एक एम्बुलेंस खरीदने की भी स्वीकृति दीप्ति किरण दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय सभापति महोदय, आज लंपी डिजीज पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।
मेरे से पहले भी बहुत सारे वक्ता हैं जिन्होंने ये बात बोली कि लंपी डिजीज़ एक बहुत गंभीर विषय है। ये विषय आज हम यहाँ पे चर्चा में लाए हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ा गंभीरता से सोचने का विषय है। और मैं पूरे प्रदेश की